हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 पीटी पीएसटी हो चुके हैं, अब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो देखिए, 2018 का जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन था, अनफिटनेस होने पर कैंडिडेट का उसको कैसा डॉक्यूमेंट मिलता था, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ये कैंडिडेट अनफिट हो गए थे, अब कैंडिडेट कोई भी अनफिट होता पुरानी गाइडलाइन के अनुसार उसमें उसको एनेक्सर ये एल ये मिलता था। तो यहाँ पर क्या, ये भी कैंडिडेट्स कॉपी। तो कैंडिडेट्स कॉपी में देखिए, मेमोरेंडम अनफिट। अब अनफिट हो गए हैं, फिट या अनफिट होंगे, टेम्प्ररी अनफिट का जो है वो कोई कॉलम नहीं है वहाँ पर, प्रेगनेंसी वाली जो बहनें हैं उनके अलावा। सब्जेक्ट क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018 रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अनफिटनेस कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर कैंडिडेट जो है उसको बताया गया है कि आपको एक मेडिकल हुआ और इसमें आर को फाउंड हिम हर अनफिट ड्यू टू द रीजंस मेंशन्ड बिलो। लिखित में कारण बताया गया, ये क्या है, ये बायलैटरल फुट डिफॉर्मिटी। अब फुट डिफॉर्मिटी कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इन केस ही शी प्रेफर्स टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यदि अपील नहीं करते हैं तो आप ठीक है अपने घर पे बैठ गए, और यदि अपील करते हैं तो एडवाइज टू अप्लाई फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इन द एंक्लोज्ड फॉर्म नंबर 2 ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018 टू बी प्रोवाइडेड बाय द पीओ। अब इसके साथ ही फॉर्म, तीन फॉर्म इसके साथ में, एक ये और दो फॉर्म इसके साथ में और दिए जाते थे कि जिसमें आपको अपील करना है सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेने वाला। अब सिविल उस पर फ़ोटो लगता, थंब इम्प्रेशन लगता, उसको भी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो वेरीफाई करते, स्पेशलिस्ट, और डीडी इसमें अटैच होता था। डीडी किसके नाम से बनेगा वो सब बताया गया है, और ये कहाँ मेडिकल हुआ था, तो ये ग्रुप सेंटर MKM मोकामा घाट CRPF का सेंटर है जहाँ ये मेडिकल हुआ था, GC। अब 15 दिन के अंदर अंदर यदि आपकी अपील नहीं पहुँचती थी तो आपका ये जो अपील है ये खारिज हो जाती थी, या अपील खारिज होने के और भी बहुत सारे कारण होते थे। इससे बचने के लिए और जो अनावश्यक जो देरी होती थी, कैंडिडेट्स को भर्ती प्रक्रिया भी डिले होती थी, उससे बचने के लिए 30 मई 2021 से नई मेडिकल गाइडलाइन, यानी गाइडलाइन तो वही है लेकिन उसमें संशोधन कर दिया। 30/5/2021 से संशोधन ये हो गया कि जितना भी कैंडिडेट अनफिट होता है उनको सबको ऑप्शन दिया जाता है रिव्यू मेडिकल के लिए। आप ऑप्शन लेते हैं तो आपको सेम जो अनफिटनेस वाला फॉर्म है उसी पर आपको सिग्नेचर करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स आपको दिखाने जा रहे हैं कि बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि इनका फुट डिफॉर्मिटी है, ये भी ये ठीक कर सकते थे एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से ठीक होने वाले पॉइंट होते हैं जनरली, लेकिन वो नहीं कर पाए, या सर्जरी करवा के उसको क्लियर कर सकते हैं तो वो नहीं करवा पाए, इस वजह से उनको आउट होना पड़ा। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसमें ब्राकी मेटाटार्सिया, ये तो फोर्थ टो जो होता है वो जनरली या तो ऊपर उठा हुआ होता है या वो फिफ्थ से छोटा होता है। अब यदि छोटा है तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऊपर उठा हुआ है उसको आप एक्सरसाइज से दबा के, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उसको आप ठीक कर सकते हैं, फिट होके मतलब यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यदि आपका जो बोन है वो फिफ्थ टो से यदि छोटा नहीं है, उसके बराबर है, तो भी बात बन जाएगी। ये देखिए हलॉक्स वल्गस, जो ये डेविएशन है, ये डेविएशन नहीं होना चाहिए। थम ये बिग टो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ये डेविएशन को भी ठीक किया जा सकता है, इसके स्प्लिंट्स भी आते हैं और फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए कैरिंग एंगल। अब कैरिंग एंगल जो है उसके बारे में बता दूं आपको कि कैरिंग एंगल जो है वो कितना डिग्री फिट है। तो कैरिंग एंगल जो है वो मेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो कैरिंग एंगल, ये एंगल जो है ये
15 डिग्री कैरिंग एंगल फिट है, 20 डिग्री तक का एंगल भी फिट किया जा सकता है यदि एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एल्बो एक्सटेंशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो जनरली क्या होता है, एसएससी जीडी 2018 की बात आपको बता दूं कि उसमें कुछ सेंटर्स पर 19 डिग्री वाले भी फिट हुए और कुछ सेंटर्स पे 16 डिग्री वाले भी अनफिट हुए। ये विसंगति जो है, क्योंकि ये मेडिकल अफसर का डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो 19 डिग्री वाले किस आधार पर अनफिट हुए कि उनका एल्बो का जो हाइपर एक्सटेंशन है वो नहीं था, 16 डिग्री वाले क्यों अनफिट हुए कि एल्बो हाइपर एक्सटेंडेड था, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो की वजह से। अभी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 में एक कैंडिडेट जो इसमें अनफिट हुए, होने के बाद उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को रिट पिटीशन फाइल किया, रिट पिटीशन उनका अलाउ हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में उनके रीमेडिकल का भी ऑर्डर हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में रीमेडिकल हुआ, वहाँ पर उनके एंगल जो थे वो तो उनके 15 डिग्री से नीचे आ गए, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो का एक नया पॉइंट बना और उसमें वो अनफिट हो गए। तो अब अनफिट हो गए तो यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, नॉक नी पूरी तरीके से, नी जो है वो पैक हो गया है, इसमें कि ओपन करके देखा जाता है या लिटा के देखा जाता है, बिठा के देखा जाता है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मेडिकल अफसर चाहें अपना संतुष्टि हो उनका, उसमें वो चाहे जैसे देख सकते हैं। और जो नौकनी नहीं है तो वो फर्स्ट इंस्टेंस पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और आपको दिखा देते हैं, देखिए ये हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो कि ये हाथ जो है ये सीधा जाना चाहिए, ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, इसको हाइपर एक्सटेंशन कहा गया है। फुट में एक होता है फ्लैट फुट, फुट आर्क्स जो टाइप्स होते हैं, तो देखिए ये भी अनफिट है, इसमें ये भी अनफिट है, ये ज़्यादा आर्क होना भी अनफिट है, ये नॉर्मल है और ये भी जनरली फिट हो जाता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम कर सकते हैं मेडिकल अफसर, ये जो है ये आर्क है ये फिट है। तो फ्लैट फुट यदि वाकई होता है या किसी को यदि ऐसा है तो उसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, ये है तो भी एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, ये हाई है तो इसको भी नॉर्मल किया जा सकता है, ये आप फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, 10 नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं, 2 नंबर ज़्यादा हैं, यानी कि आपको विश्वास है कि आप मेरिट में आ सकते हैं, तो आपको अपनी मेडिकल की भी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर अवेलेबल है, यहाँ पर आपको ENT स्पेशलिस्ट द्वारा आपके कान नाक गले की जांचें होती हैं, इसके साथ ही आँख के स्पेशलिस्ट द्वारा आपकी पूरा आँखों की जाँच, जिसमें टॉसिस, टेरिजियम, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस और आपका जो विज़न, सब कुछ पूरा मशीन से जांच आपका किया जाता है। साथ ही आपको जनरल फिजिशियन द्वारा कंप्लीट चेकअप आपका, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपकी तरफ से कि हाइड्रोसिल चेक होता है क्या, वेरिकोसिल चेक होता है क्या, सब कुछ चेक होता है, कंप्लीट अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, जैसा मेडिकल गाइडलाइन में है वैसा पूरा चेकअप होता है। उसके साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं कि कोई कैंडिडेट किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से आप ठीक करने वाले प्रॉब्लम है तो उनको एक्सरसाइज भी बताया जाता है, और यदि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने वाली जहाँ बात होती है तो वहाँ पर हम आपको एडवाइस कर देते हैं कि इस पॉइंट को आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए। जैसा कि DNS यदि है किसी को तो वो सर्जरी करवा सकते हैं, हाइड्रोसिल है तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो ट्रीटमेंट जो है वो आपको एडवाइस कर दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आप भी अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो नीचे लिंक में नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मतलब जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है। पिछली भर्ती में काफ़ी कैंडिडेट्स जो NIA कन्फर्म था, लेकिन मेडिकल के नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से उनको आउट होना पड़ा। बड़ा अफसोस हमें भी होता है कि जब एक कैंडिडेट ओवरवेट की वजह से आउट हो जाए, या कलर ब्लाइंडनेस, कलर परसेप्शन CP4 है और वो प्रैक्टिस करके CP3 कर सकते हैं वो, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, या आपको टैटू है आपने रिमूव नहीं करवाया। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि रीमेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसके दूसरे दिन आपका रीमेडिकल होगा। तो जो पॉइंट्स हैं उनको पहले से ही अपना क्लियर कीजिए, अपनी तैयारी को पूरा कीजिए, अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।